अस्सलाम वालेकुम, दैट्स मी महक रुबाब कादरी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो क्या चल रहा है आजकल? तो जनाब, आज की जो मेरी वीडियो है वो हेयर ट्रीटमेंट के हवाले से है। मुझे बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वेस्टें आई हुई हैं मेरे स्नैपचैट पर, मेरे इंस्टाग्राम पर, और बहुत ज़्यादा लेट हो गया है मुझे पता है, और बहुत ज़्यादा कम वीडियोज़ में डाल रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी मसरूफ़ हो गई हूँ। और ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, थोड़े से कुछ प्रोजेक्ट्स थे मैं वो कर रही थी। तो जिन्होंने मुझे स्नैपचैट पर और इंस्टाग्राम पर घड़ी घड़ी बार बार बोला, उनको मैंने उसी वक्त जो है रिप्लाई दे दिया इस नुस्खे के साथ। लेकिन मैं आपको सच बताने वाली हूँ, ये नुस्खा बहुत बेहतरीन नुस्खा है जो मैं आज आपको बताऊँगी हेयर ट्रीटमेंट के हवाले से। खुद आजमाया हुआ मेरा है, मतलब मैंने खुद नहीं किया, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं तो अपने बालों के हवाले से बड़ी लकी हूँ माशाल्लाह से। लेकिन जो कि मेरी आपी है, आपी मतलब मेरी बड़ी बहन, उनके बालों का बहुत ख़तरनाक वाला मसला था। उनकी तो जो है यहाँ से जल्द भी नज़र आती थी बालों के बीच में से, जैसे ये मांग नज़र आती है ना, वैसे उनके यहाँ पे दो तीन बाल उगते थे और अंदर से ये गंजा मतलब उनकी जल्द नज़र आती थी। और ये जो मेरे आगे आपको बाल दिख रहे हैं ना, उसके इतने ही सिर्फ बाल थे पूरे सर में। तो हमने बहुत ज़्यादा इलाज करवाए, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में गए, जो मॉर्निंग शो में जो आती हैं कि हम आपके बाल उगा देंगे, हम आपका गंजापन ठीक कर देंगे, इस तरह की सारी डॉक्टर्स जो थी, जो दावे करती थी कि ये इलाज वो कर सकती हैं, उन सब के पास गए। हमने हज़ारों रुपए उन पर लगा दिए लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सच बता रही हूँ मैं। लेकिन फिर हमने जब ये ट्रीटमेंट किया तो बिलीव मी गाइस, उनके बाल बहुत सही हो गए हैं। अब वो उसमें कलरिंग कर रही हैं, कट डाउन कर रही है, उनके अभी भी जो है ग्रोथ होती रहती है, मतलब वो बेबी हेयर उगे हुए, जैसे ये मेरे बेबी हेयर है ना, ये उग रहे हैं बाल, तो उनके बाल उग रहे हैं और अभी भी माशाल्लाह से उनके बड़े अच्छा हैवी जो है वॉल्यूमाइज उनके हेयर्स हो गए और बहुत अच्छे बाल हो गए उनके। और वो जितने भी जो मसला मसाइल थे, जो जल्दी नज़र आती थी, वो सब ख़त्म हो गया और उनके बाल माशाल्लाह से अभी भी उग रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से आ रहे हैं और बड़ा अच्छा हेल्दी बाल आया है। तो मैंने कहा कि ये मैं आपको भी बताऊँ ताकि आपके भी मसले मसाइल जो हैं बालों के हवाले से वो ठीक हो जाए। तो बताने से पहले जो मुझे लोग देख रहे हैं, प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, मैं बड़ी गरीब यूट्यूबर हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को लाइक भी करो। जो हमारा सब्सक्राइबर स्क्वाड है, थैंक यू सो मच यार, आप लोग मुझे बहुत मोहब्बत देते हो और इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हो, लेकिन मैं फिर भी वो रिक्वेस्ट पूरी करती हूँ और मैं वो वीडियो डालती हूँ। बहुत ज़्यादा यार छोड़ो, अभी क्या बोलूँ मैं। नीचे मुझे कमेंट में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसको ज़रूर ट्राई करना। इसके अलावा यार नेगेटिविटी नहीं करो ना, इसलिए आप क्यों मुझे इतना बुरा भला बोलते हो? अगर मेरी, देखो मैं गुजराती हूँ, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे? अब गुजराती तो गुजराती ही निकलेगा ना मुझसे, अभी क्या निकलेगा? और क्या जाने, तो कोई बात नहीं, वैसे भी वो फिल्टर होके ब्लॉक कॉमेंट में चला जाता है। लेकिन मेरी हरकत देखो, मैं उसमें भी जाके पढ़ती हूँ, मतलब समझ रहे हो ना आप लोग। खैर कोई नहीं, चलो हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, मतलब बताती हूँ मैं। तो यार मैं ना वैसे करके बता देती लेकिन वो ज़ाया होगा ना, मतलब ये रिस्क से प्याज और लहसुन का ये नुस्खा है, दोनों को मिला के करना है। वैसे बना के बताती लेकिन वो फिर ज़ाया होता, रिस्क को ज़ाया नहीं करना है हमें। तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। देखो, हमें एक प्याज लेनी है जो कि इतने साइज़ की प्याज होनी चाहिए, और इतने साइज़ की प्याज के साथ आपको इतना लहसुन लेना है, मतलब ये जो बड़ा चाइना का लहसुन आता है उसके दो जवे आपने लेने हैं, और इतनी प्याज के साथ इतना लहसुन आपने लेके इसको आपने पीस लेना है। याद रखिए, पानी नहीं ऐड करना है, आपको प्याज और लहसुन को पीस लेना है। पीसने के बाद जो पेस्ट होगा वो आपने जड़ों पे लगाना है, बालों पे नहीं लगाना है। ये जो आपकी जड़ें हैं इसके ऊपर आपने जो है लगाना है और एक घंटे तक आपने इसको रखना है और अच्छा खासा मसाज करनी है जड़ों पे लगाने के बाद। और जड़ों पे लगाने के बाद आपको एक घंटे के बाद इसको धो लेना है। यकीन करो यार, आपके बाल बहुत बेहतरीन उगेंगे, बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। और इसके अलावा जो मैंने एक तेल का भी आपको बताया था, जिसकी वीडियो मैंने पोस्ट की हुई है पहले से ही, लेकिन मैं अभी भी बता देती हूँ, कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल, मतलब अरंडी का तेल और जैतून का तेल, इन दोनों को आपने एक जितना लेके मिला लेना है और वो आपने अप्लाई करना है। प्याज और ये लहसुन वाला पीस के आपने लगाना है और एक घंटे के बाद जो है आपने धो लेना है। और तेल आपने इस्तेमाल करना है कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल, इन दोनों को आपने एक जितना मिला लेना है और मिलाने के बाद फिर सर पे अप्लाई करना है। बस ये दो चीज़ें आपने करनी है। आपके अगर बाल टूट रहे हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे, आपके गंजपन है, आपके बड़े ख़तरनाक किस्म के बालों का मसले मसाइल हैं, बढ़ नहीं रहे हैं या कोई भी ऐसा सीन है, इससे ये सब सॉल्व हो जाएगा। और ये इतना महंगा तरीन भी नहीं है, आपके घर में ही प्याज और लहसुन पड़ा होता है, आप
फौरन से जो है लेकर पीस कर बना सकती हूँ, लगा सकती हैं। तो यही था, बड़ा छोटा सा इजी सा है, इसको आपने करना है और करने के बाद मुझे लास्ट में बताना है। तो बस यही था, यही मुझे बताना था, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, कोई सा ऐसा वैसा चीज़ नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही था, मिलती हूँ अगले वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। दैट्स मेहक रुबाब कादरी सेइंग आउट टू यू ऑल।